टू एम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया टॉयस लेके आई हूँ जो है किड्स के लिए, एट प्लस एज के लिए। और ये पूरा न्यू वर्जन है वर्ल्ड ट्रेड बैंकिंग का, क्योंकि जो पुराना वर्ल्ड ट्रेड था उसमें रुपीस आते थे, हमें रुपीस दिया जाता था। लेकिन ये न्यू वर्जन है तो इसमें ये क्या होता है कि इसमें वन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूनिट आता है और क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। तो इसमें हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं, जो चाहे खरीदना है वो खरीद सकते हैं, जो चाहे वो बेचना है हम बेच सकते हैं। तो आगे इसमें क्या क्या हमें मिलता है वो मेरा कजिन आपको बताएगा, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। चलो आज हम दिखाने वाले आपको वर्ल्ड ट्रेड गेम। खोलते ही इसमें सबसे पहले आपका आ जा रहा है प्लेइंग बोर्ड गेम, जिसके अंदर सारे कंट्रीज के नाम लिखे होते हैं और उसमें खेलना होता है। इसको भी साइड में रखते हैं, देखते हैं क्या क्या। ये है मेन चीज, इसको कहते हैं स्मार्ट कार्ड। इसको ये 6 मिले दिए जाते हैं और सभी के अंदर 15 मिलियन डॉलर होते हैं। अब ये है 29 टाइटल डीड कार्ड्स, सारे कंट्री आ जाते हैं इसमें। ये 6 बॉन्ड्स और 2 डाइसेस। ये मेन्यू, इसके अंदर कैसे खेलते हैं सभी डिटेल्स दी हुई होती है। और ये है रेड और ब्लू हाउसेस और होटल्स के फॉर्म। ये सबसे जरूरी चीज है, इस सारे कैलकुलेशन इससे ही होती है। यहाँ पे 1 मिलियन का है और 1K के लिए, और इधर पीछे सेल डालने पड़े थे। हाँ, ये एक कोई भी MI है जिसके अंदर सिम कार्ड के लिए पिन डालनी पड़ती है, फिर सिम कार्ड खोलते हैं। इसके लिए मैंने एक अपने एप्पल के फ़ोन में से पिन ली है, और इससे हम इसको फिर से रीसेट कर सकते हैं। जैसे पहले हमने खेल लिया पूरी गेम और फिर इसको इधर दबा के सभी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक जितने थे उतने हो जाएंगे। अब हम दिखाएंगे आपको इसको कैसे खेलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं और जितने प्लेयर आ सकते हैं 6 वैसे लिए होते हैं, इसे 6 आ सकते हैं। 2 और 3 में भी खेल सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस यहाँ ऐसे पूरी गेम ख़त्म होती है। और ये अनलिमिटेड, जहाँ तक कोई जीत ना जाए, मतलब के किसी के पास भी पैसे ना रहे और जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे होंगे वो जीत जाएगा। इसके अंदर आप टाइम लिमिट अपनी चॉइस कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि USA, अफ्रीका, स्पेन, इंडोनेशिया, इंडिया, सभी कंट्रीज आ सकते हैं, इसको आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे चांस और कम्युनिटी चेस जैसे भी कुछ चीज़ें आती है जिसके अंदर आपको पैसे मिल सकते हैं और चले भी जा सकते हैं। चलो अब हम दिखाएंगे इस बैंकिंग यूनिट को कैसे यूज करते हैं। अब इसके लिए हमने ये 2 कार्ड लिए हैं, जैसे कि हम पूछे हैं ब्लू में पैसे निकालने हैं, इसको डाला। ये 3 नंबर का कार्ड है, इसे 3 लिखाएगा और इसके अंदर अभी टोटल 15 मिलियन रुपीज है। और मुझे 2 मिलियन मुझे इसके अंदर डालने हैं, ये ग्रीन कार्ड। ये आ गया 1 और 2 और 1 और 3। 2M
ये इसके अंदर ट्रांसफर हो गया ना। अभी देखो इसमें से 2M मैंने इसमें डाल, इसमें 13M मिलियन बचे और इसमें 17 मिलियन हो गए। तो इसी तरह से ये गेम खेली जाती है, इसके डिजिटल यूनिट्स और कार्ड्स की वजह से ये काफी मजेदार गेम लगता है। तो इसकी प्राइस 1200 लेके 2000 तक होती है। मैंने इसे लोकल शॉप से लिया था, लेकिन मैं अमेजोन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसे 2 से 6 प्लेयर भी खेल सकते हैं और ये 8+ एज के बच्चों के लिए ये गेम है। ये माइंड गेम है, इसलिए बच्चों में जो काउंट करने की एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।